Redmi Note 5 Pro के लिए अरिजीत साहा की तरफ से ऑक्सीजन OS Android 11 का एक बिल्ड आया हुआ है। इसका बिल्ड नंबर जो है कपकेक रखा गया है, कपकेक है बिल्ड नंबर यानी कि। और जैसे कि अभी वीड OS और नुसंतारा 5.7 का अरिजीत साहा की तरफ से जो बिल्ड आया है उनका रिव्यू करने के लिए काफ़ी लोग बोले थे, तो वो अरिजीत ही जो है अभी फ़िलहाल मना किए क्योंकि उसमें कुछ इशू है, उसको अभी फिक्स करना है, इसलिए अभी उसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। आगे जब भी ठीक होगा तो आगे उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसमें हम बात करते हैं क्या कुछ मिलने वाला है, कौन कौन से बग या फीचर हैं। वैसे ये भी जो है रिपार्टीशन रिक्वायर्ड यानी कि रिपार्टीशन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप नॉर्मल इंस्टॉल इसको कर पाओगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि ये जो है OnePlus 8 Pro से जो है पोर्ट किया गया है, Android 11 बिल्ड है और Exynos 11.0.11.11 है और Android वर्जन जैसे कि 11 मिलता है। सिक्योरिटी पैच अप्रैल 2023 की है, Google Play सिस्टम अपडेट 1 अक्टूबर 2020 का और कर्नल डीगल का वर्जन 13 मिलता है और ये ओवरक्लॉक कर्नल है एंड बिल्ड नंबर जैसे कि कपकेक मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है ये आपको अच्छा मिल जाता है, बस रोम को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फ्लश करने के बाद करीब 1 से 2 घंटे करीब। और उसके बाद यहाँ पे आपका क्यूएस पैनल के अंदर इनमें कोई भी एनिमेशन लगेगा ऐसा नहीं मिल रहा है। हाँ ये है कि यहाँ पे एक चीज़ आपका मिसिंग रहेगा टाइल्स के लिए, यानी कि साउंड जो टाइल है वो देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए आप जो है मैनुअली प्ले स्टोर से एक जो है टाइल इंस्टॉल कर लेना, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये जो टाइल है इसको सर्च करना, साउंड टाइल भी सर्च करोगे तो आ जाता है, तो इसको सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और ओपन करना है इस तरीके से। उसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे परमिशन मांगेगा तो सिंपली यहाँ पे जा करके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है साउंड टाइल मिल जाता है, इस पर आपको अलाउ कर देना, इसकी परमिशन दे देनी है। उसके बाद ये आपका काम करने लग जाएगा, यहाँ से आप जो है कर पाओगे। और इसका साउंड टाइल आपको इसके टाइल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा यहाँ पे लास्ट में, तो इसको होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग कर लेना, ऐड कर लेना। उसके बाद आप यहाँ से जो है साउंड को साइलेंट वाइब्रेशन या फिर आप यहाँ पे साउंड पे कर पाओगे तो ये आपका काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके जो है आप इसका साउंड टाइल का यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे जो है आपका वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट ऐसे सेम टाइम पे काम करता है, इसको लेके कोई इशू नहीं है, अच्छे तरीके से वर्किंग है, जेन मोड भी मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है। और वॉल्यूम पैनल में ज़रूर आप एक्सपेंड जब करते हो तो हल्का सा जिटर मिलता है, काफ़ी लाइट सा जिटर है, हल्का सा मिलता है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है। पावर मेन्यू तो नॉर्मल ही है बट एडवांस रिस्टार्ट आप इनेबल कर पाओगे, डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाता है एडवांस रिबूट का। और ऐप ओपनिंग एनिमेशन या बाकी एनिमेशन का अगर हम देखें तो इसके अंदर अच्छा मिल जा रहा है, ऐप ओपनिंग भी फास्ट है और साथ में एनिमेशन भी आपको अच्छा मिल जा रहा है, तो इनको लेके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिसेंट पर जैसे कि हम होल्ड करते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन भी मिल जाएगा जिन एप्लीकेशन पर सपोर्टेड है, और ऐप लॉक भी आपको यहीं पर मिल जाता है, यानी कि रिसेंट को लॉक आप कर पाओगे, रिसेंट लॉक का मिल जाएगा। और कैमरा इसके अंदर दिया गया, एक तो आपको यही वन प्लस का नॉर्मल वाला मिल जाता है इसके अंदर में, 1080 60 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कोई भी ग्रीन इशू ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर यहाँ से वीडियो बनाने के बाद ये ओपन ना हो तो गैलरी के थ्रू ओपन कर लेना, बट या फिर पिक्चर क्लिक कर दोगे तब शो करने लग जाएगा। बट आपको दिखा दूँ पिक्चर भी क्लिक हो रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही, और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूँ तो यहाँ पे ये है और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा था, आप इसका यूज़ कर पाओगे, इसको फिक्स किया गया है। और बाकी आपको दूसरा जो कैमरा मिलता है वो कैमरा गो मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे अगर GCam यूज़ करो तो 8.1 यूज़ कर लेना, अच्छे तरीके से काम करेगा। हाँ स्लो मोशन को लेकर इशू हो सकता है बट बाकी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर पाओगे, पिक्चर क्लिक, वीडियो रिकॉर्डिंग, नाइट साइड पिक्चर, ये सब चीज़ें आप क्लिक कर पाओगे। और FM यहाँ पे नहीं मिलता कोई भी देखने को, बाकी इसका गेम स्पेस ये मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, इसका भी इंटरफेस आगे मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे फनेटिक मोड भी दिया गया है जो कि प्रो गेमिंग मोड है इसका, यानी कि प्रो गेमिंग मोड मिल जाएगा। और गैलरी यहाँ पे कुछ इस तरीके की गैलरी देखने को मिल जाएगी, तो ये जो है गैलरी रहने वाली, कलेक्शन इसका गैलरी का इस तरीके का रहने वाला है, गैलरी के एल्बम का यानी कि। और फिर नीचे फाइल मैनेजर आपका गूगल वाला भी है और वन प्लस का भी मिल जाता है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे हम इसके ओके गूगल के बारे में, तो ओके गूगल का यूज़ कर पाओगे, ये काम कर रहा है। और गूगल फ़ोटो के अंदर में कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज इसके अंदर फिलहाल देखने को नहीं मिलता है, कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज यहाँ पे नहीं रहने वाला इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी रोम्स में काफ़ी सारे वीडियोज़ में हमेशा पूछते हैं, तो ये भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज गूगल फोटो पे नहीं मिलेगा। इनबिल्ड नेटफ्लिक्स वैसे इनबिल्ड ही आता है इसके साथ, तो अनइंस्टॉल करना होगा तो अनइंस्टॉल कर देना। प्ले स्टोर ये अगर बात करें तो ये भी जो है इसके अंदर सर्टिफाइड नहीं है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो मैं दे दूंगा, उसको आप देख लेना, आई बटन पर भी दे दूंगा, उसको देख के आप आराम से फिक्स कर पाओगे उसे। और विजेट्स में भी इसके अंदर में वन प्लस का विजेट्स नहीं मिलता, क्लॉक के जो थे वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, तो मैं यहाँ पे गूगल का जो विजेट्स है वो ऐड कर रखा ऊपर, ऐड ग्लेंस टाइप का। और ये लॉन्चर की सेटिंग्स मिलती है, आइकन पैक टेक डिफॉल्ट जो है वही रहेगा, और हिडन स्पेस जो कि ये सारे ऑप्शन मिलते हैं नॉर्मली जो कि मिला करते थे वही सब रहेंगे। वॉलपेपर भी सिमिलर से मिल जाता है, यहाँ पर भी ऐसा कोई चेंज देखने को हमें
नहीं मिलने वाला है। और अब अगर हम बात करें कॉलिंग के बारे में, तो इसके अंदर एक तो कैरियर वीडियो कॉल का आपको बग मिलेगा ही, और वाईफाई कॉलिंग उसका भी बग रहेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हालांकि ये आपका अच्छे से काम करेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसके अंदर वर्किंग है, बट कॉल रिकॉर्डिंग का भी बग मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती बट रिकॉर्ड नहीं करता, उसका बग रहेगा। एंड ब्लूटूथ डिवाइस आपका ज़रूरी इसके अंदर काम कर रहा है, मीडिया के अंदर भी और आपका कॉलिंग के अंदर भी। और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे कास्ट का भी बग रहेगा, कास्ट इसके अंदर काम नहीं करता, नियर बाय शहर है उसका यूज़ कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन आपके वर्किंग रहेगा, जैसे कि एडवांस हो गया, फिर नाइट लाइट हो गया, सब काम कर रहा है रेडी मोड। बट यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है इसके अंदर में, अभी देखोगे कितना यहाँ पे इस तरीके से। बट अगर परसेंटेज एक्चुअल दिखाऊं तो 70% जो है ब्राइटनेस अभी हो रखी है, हल्का सा स्लाइड करोगे तो 50 प्लस ही ऊपर चली जाती है ब्राइटनेस। तो यहाँ पे तो ब्राइटनेस लेवल का इशू है बस। यहाँ पे आपका डार्क मोड हो गया, फिर रीडिंग मोड हो गया, ये सब काम कर रहा है। अम्बिन डिस्प्ले का भी वैसे बग ही है एक तरीके से, यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, ऑफ हो जाएगा या ब्लिंक करेगा कभी कभार। तो ये जो है इसको ऑफ रखना मेरे हिसाब से, यूज़ ना करो तो बेटर ही रहेगा ऑलवेज ऑन को, जिसका दिया गया अम्बिन डिस्प्ले यहाँ पे। वैसे भी हमारा डिस्प्ले जो है ऑलवेज ऑन के लायक है भी नहीं, क्योंकि LCD डिस्प्ले हमारा OLED डिस्प्ले है नहीं। तो ये जो है हम लोग यूज़ ना ही करें तो बेटर भी रहेगा। काफ़ी लोग फिर भी जो है ये चीज़ यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है वैसे तो, बट यहाँ पर जो है ना यूज़ करो तो बेटर रहेगा, बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन करती थी, ये प्रॉब्लम भी वैसे कर रहा है। फिर यहाँ पे स्टेटस बार है, जिसमें आपका बैटरी परसेंटेज है, नेटवर्क स्पीड है, सब मिलेगा, रोटेशन काम करता है। कस्टमाइजेशन के अंदर भी यहाँ पे आपको जो है वही क्लॉक की सेटिंग्स आपको मिल जाती है एम्बिएंट डिस्प्ले के लिए। AOD का जो इसका एम्बिएंट डिस्प्ले का जो क्लॉक का दिया गया है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो यहाँ से जो है आप क्लॉक भी चेंज कर पाओगे। बट जैसे कि बताया, इसको मेरे हिसाब से यूज़ ना करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लिंक भी करता है, एक तो इशू है उसके अंदर। और हॉरिजॉन लाइट हो गया, ये सब इन सबको ऑफ ही रखना। एंड एसेंट कलर है, बाकी सिस्टम आइकन हो गया, सेप आपका आइकन पैक जो कि दिखाया नॉर्मली है। फॉन्ट्स आपको दो मिल जाएंगे, एक डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल अलग से। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर डॉल्बी एटमॉस इसका यूज़ आप कर पाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है, इसका ये जो है वर्किंग रहेगा। बाकी फिर साउंड के ऑप्शंस भी नीचे आपको बाकी के मिल जाएंगे। और वाइब्रेशन की बात करें तो टच वाइब्रेशन ये सब काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारा बटन एंड जेस्चर के सेटिंग्स हो गए, जिसमें क्विक जेस्चर भी है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल टैप टू बैक भी वर्किंग है, बट ड्रो वाले या म्यूजिक कंट्रोल ये सब काम नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे मिलता है नेविगेशन बार या जेस्चर की सेटिंग, जिसमें आप 3-बटन नेविगेशन भी यूज़ कर पाओगे, और जेस्चर हमारा यहीं पे देखने को मिल जाता है। पिल भी चाहो तो हाइड कर पाओगे, उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रहेगा हमारा बटन एंड जेस्चर का ऑप्शन। फिर नीचे ऐप एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स है, हालांकि ये नॉर्मल ही रहेगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं देखते फिलहाल, चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक है, और दोनों फिक्स हैं, दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका जो फेस अनलॉक है वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग मिलता है। कभी कभार जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी जो चेक कर रहा था इस तरीके से हो रहा था, बट बाद में अच्छे तरीके से काम करता, आप देख सकते हो। लॉक स्क्रीन भी कभी कभार देखने को नहीं मिलती, कभी कभार बिल्कुल डायरेक्ट जो है ये अनलॉक हो जाता है, तो यहाँ पे फास्ट ही वैसे तो। बाकी ये सेटिंग्स यहाँ पे स्क्रीन लॉक की देखने को मिल जाएगी, डिसेबल क्विक सेटिंग्स पैनल ये सब आप कर पाओगे यहीं से। और ये बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड रोम है, इनक्रिप्टेड नहीं आता। और बैटरी की बात करें नॉर्मल सेटिंग्स के साथ में, अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% बैटरी मिली है। वहीं अगर नाइट ड्रेन की अगर बात करें तो करीब 2-3% ड्रेन हो रहा था। और डिजिटल वेलबिंग का भी सपोर्ट है, यूटिलिटीज़ मिल जाता है, ऐप लॉकर यानी कि ऐप लॉक का यूज़ आप कर पाओगे इसके अंदर में, ऐप लॉक काम करता है। और एप्लीकेशन भी काफ़ी सारे सपोर्टेड आपके सिस्टम के बिल्कुल मिलते हैं, तो एप्लीकेशन को लेकर भी दिक्कत नहीं है। बट पैरेलल स्पेस जो दिया गया, पैरेलल ऐप यानी कि डुअल ऐप वाला, वो काम नहीं करेगा। फिर पॉकेट मोड ये सब दिया हुआ है नीचे। फिर सिस्टम है, यहाँ पर जो है लैंग्वेज आपकी रहेगी वैसे तो, OTG और स्टोरेज ये सब यूज़ कर पाओगे। अब अगर बात करते हैं एंटूटू स्कोर के बारे में, तो ये जैसे कि ओवरक्लॉक्ड है, 184,000 में जो है स्कोर मिलता है। CPU थ्रो रेट इसका 95% है, और जीप स्कोर मैक्स पे 150,000 है, एवरेज स्कोर 144,000 है, तो स्कोर तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और जो गीगबेंच स्कोर है सिंगल में 339 है, और मल्टी के अंदर 1240 देखने को मिल जाता है। स्कोर सभी अगर आप देखोगे तो अच्छे मिल जाते हैं ओवरक्लॉक्ड है जैसे कि ये। और इसका जो गेम स्पेस है कुछ इस तरीके का रहने वाला है, यहाँ पे प्रो गेमिंग मोड आप इनेबल कर पाओगे, तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे मिल जाते हैं इसके। ये जो है इसका गेम स्पेस रहेगा। ग्राफिक में बाय डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पे 90% इनेबल मिल जाता है, बट हमारे काम का है नहीं, वो स्मूथ एंड एक्सट्रीम तक ही हम यहाँ पे खेल पाएंगे। और HD पे हाई तक अनलॉक रहता है, तो हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेल रहे हैं। वैसे गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ओवरक्लॉक के साथ बाय डिफॉल्ट में भी जो है गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर अच्छी देखने को मिल जा रही है। एनिमेशन तो ऐसे भी अच्छा है ऑलरेडी आपको बताया ही, बस इसका जो गेमिंग बट यानी कि जो गेमिंग है इसका परफॉर्मेंस वो भी यहाँ पे अच्छा ही देखने को मिल जा रहा था, ख़राब गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं है ओवरक्लॉक करने के साथ में। हाँ ये है कि बैटरी आपको थोड़ी अच्छी मिल जाएगी अगर आप इसको नॉन ओसी वाले कर्नल फ्लश कर दोगे, तो ज़रूर यहाँ पे जो है बैटरी आपकी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। अभी भी ठीक है बट आपको और बेटर बैटरी बैकअप मिल जाएगा, ऐसे में जो है परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को इसके अंदर मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस को लेकर के हालांकि मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है ऐसी, यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस मिल जा रहा है। अगर आपको चेंज करना होगा तो कर्नल भी आप चेंज कर पाओगे, ओल्ड कैम जो कर्नल है वही आपको इसके अंदर फ्लश करना है।
और इंस्टॉलेशन को लेकर के किसी का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले तो आपको रिपार्टीशन करना पड़ेगा अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो, नहीं तो आपको एरर दिखाएगा, इसलिए रिपार्टीशन कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो जो है मिल जाएगी, रिपार्टीशन कैसे करते हैं वो उसका मिल जाएगा। उसके बाद रोम का इंस्टॉलेशन नॉर्मल रहने वाला है, तो रोम कैसे इंस्टॉल करना वो भी आपको नॉर्मली रहेगा, यानी कि नॉर्मली सिंपली आप पाँच ऑप्शन जैसे हमें वाइप करते हैं उस तरीके से वाइप करना है, रोम फ्लश करना है, रिबूट कर देना और एक बार फोर्स रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद पावर बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना, जैसे फ़ोन रिबूट होने जाए छोड़ देना, तो आपका फोर्स रिबूट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है बूट कर जाओगे, उसके बाद यूज़ आप कर पाओगे। तो इस तरीके जो है आपका रोम का इंस्टॉलेशन रहेगा, बट रिपार्टीशन रिक्वायर्ड है, रिपार्टीशन करे बिना आप रोम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यही था आज की इस वीडियो में, बाकी कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।